नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। बेंगलुरु में शर्मनाक घटना सामने आई है। बेंगलुरु में रैपिडो मोटरसाइकिल चालक ने पीछे बैठी महिला का फोन छीन लिया और उसे विपरीत दिशा की तरफ ले जाने लगा, जिसके बाद महिला ने चलती बाइक से छलांग लगा दी। आपको बता दें कि एक महिला ने चलती बाइक से तब छलांग लगा दी जब रैपिडो चालक ने कथित तौर पर उसे पकड़कर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने कहा कि घटना 21 अप्रैल को हुई, जब महिला ने देर रात करीब 11 बजे रैपिडो ऐप पर बाइक बुक की। इस दौरान चालक ने महिला का फोन यह कहकर छीन लिया कि वो OTP जानना चाहता है और इसके बाद अचानक विपरीत दिशा में जाने लगा। महिला के फोन वापस मांगने पर उसे नहीं लौटाया। वहीं महिला ने पुलिस को बताया कि बाइक चालक ने चलती गाड़ी में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेंगलुरु के येलंका के अबरार BMS कॉलेज के पास उसने तेज रफ्तार में बाइक से छलांग लगा दी। कॉलेज के गार्ड महिला की मदद करने के लिए दौड़ा तो बाइक सवार मौके से फरार हो गया। वहीं आरोपी की पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले 27 वर्षीय दीपक राव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।